नमस्कार दोस्तों, मैं स्क्रीन फिक्सर से राज एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल स्क्रीन फिक्सर में। तो दोस्तों, ये वीडियो जो मैं आपको आपके सामने लेकर आया हूं, इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूं कि किस लेवल की ट्रेनिंग आपको स्क्रीन फिक्सर में मिलती है। आप देख रहे हो स्टूडेंट काम कर रहे हैं और डिस्प्ले कौन सा है ये भी आप चेक कर लो। डिस्प्ले दोस्तों S20 प्लस का डिस्प्ले है और स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस किस लेवल तक जाता है ट्रेनिंग के बाद, ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये डिस्प्ले आपको ये ऑन डिस्प्ले पे काम कर रहे हैं। ऑन डिस्प्ले पे कैसे काम करना है, क्या ध्यान रखना है, क्या सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए काम करना है, तो ये कॉन्फिडेंस एक आपको स्क्रीन फिक्सर में आता है। स्क्रीन फिक्सर आप अगर ज्वाइन करते हैं तो आप भी इसी तरीके से ट्रेनिंग कर सकते हैं। ट्रेनिंग के बाद दोस्तों आपको कोई भी डिस्प्ले, कोई भी एज डिस्प्ले आप बगैर किसी रिस्क के कर सकते हैं। और आप देख भी रहे हैं कि स्टूडेंट खुद ही किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो आप क्लियर देख सकते हैं किस तरीके की ट्रेनिंग आपको मिलती है, ऑन डिस्प्ले पे काम कैसे आपको करना है, कौन सी डिस्प्ले आपको फ्रेम में बनानी है, कौन सी डिस्प्ले आपको बगैर फ्रेम के बनानी है, फ्रेम आउट करने के बाद बनानी है। आप देख सकते हो डिस्प्ले ऑन है अभी भी और इन्होंने इसका ग्लास उतार दिया है। तो मैं दोस्तों आपको मिलवाता हूं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, तो अब्दुल्ला भाई आप आज कितने दिन हुए हैं आपको यहाँ पर आए हुए? 5 दिन हुए सर। 5 दिन हो गए। तो अब्दुल्ला भाई, इससे पहले आप क्या कर रहे थे स्क्रीन फिक्सर में आने से पहले आप क्या क्या कर लेते थे और आज क्या कर सकते हो, ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे। आज तो अकेले ठहर के कंप्लेंट आ गया सर। अच्छा, काम कर सकता हूँ बोल के। एज ग्लास पहले कर रहे थे? नहीं, एज नहीं कर रहा था मैं। एज नहीं कर रहा था, नॉर्मल फ्लैट डिस्प्ले कर रहे थे। कितने दिनों से काम कर रहे हो? मैं 9 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, 9 साल से काम कर रहे हो लेकिन फिर भी एज नहीं कर रहे? नहीं कर रहे। और लेकिन 5 दिन में एज बनाना सीख लिया? थोड़ा प्रैक्टिकल है ना सर, पुराने का काम का। अच्छा, आप पहले से काम कर रहे थे और 5 दिन में एज बनाना आपने सीख लिया। अगर आपको कोई भी एज डिस्प्ले अपने रिस्क पे बना सकते हो? बिल्कुल सर। बना सकते हो? बिल्कुल। कोई भी एज डिस्प्ले बना सकते हो। तो ये कॉन्फिडेंस आपको कैसे आया यहाँ पर स्क्रीन फिक्सर में, आपको क्या अच्छा लगा, वो सारी चीजें आप जो हमारे भाई आने के लिए सोच रहे हैं उनके बारे उनको जरा आप बता सकते हैं। सर मैं तो ये करके सीखने आया था, मेरे को डर था वो चीज का। अच्छा, डर निकल गया। अच्छा, और जो फाउंडेशन मिलना था वो फाउंडेशन मिल गया। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि आपके मन में डर था कि मैं एज कैसे बनाऊंगा। हाँ। लेकिन आपका डर यहाँ पर पूरा खत्म हो गया, 100% खत्म हो गया और अब आप एज बना सकते हैं। कोई भी एज डिस्प्ले आप बना सकते हैं। यहाँ पर आपने कितनी डिस्प्ले की होंगी? मैं यहाँ पर 20 डिस्प्ले करा सर। 20 डिस्प्ले आपको यहीं से मिली हैं? डिस्प्ले का कोई एक्स्ट्रा चार्ज लिया? नहीं नहीं। आपका रहने का क्या यहाँ का एक्सपीरियंस रहा, यहाँ पर आप रहे क्या एक्सपीरियंस लगा आपको, कि आपको लगा कि मैं कहीं बाहर आया हूँ, यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का जो एटमोसफेयर है वो कैसा लगा आपको? ऐसा तो कुछ नहीं है सर, सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो यहाँ का एटमोसफियर, इंस्टीट्यूट का एटमोसफियर और आपका जहाँ पे हमने आपका रहने का जो इंतजाम हमने किया हुआ है वो कितनी दूर है? 400 मीटर है। 300-400 मीटर है, आप मतलब पैदल आ जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको वहां पर भी कोई किराया लगाना है या आपको ऑटो से आना है या आपको रिक्शे से आना है, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं है। और रहने का इंतजाम कैसा है आपके हिसाब से, आप बता दो जैसा आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी है आपके लिए किया हुआ है। अगर आपको अच्छा लगा है तो भी, आपको कोई उसमें अगर खामी दिखती है तो भी शेयर कर सकते हैं। सब ठीक है सर, तो भूलने नहीं है। हाँ,
वहां से इतनी दूर से आते, पर रहना बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तो दोस्तों देख सकते हैं रहना बहुत बड़ी चीज है, इतनी दूर से आप आते हो, आपका रहने का ही चार्ज अगर एक हफ्ते का चार्ज ही जोड़ा जाए तो आपका 10 से 12 हजार रुपए का आपका रहने का चार्ज जुड़ जाता है। तो ओवरऑल आप कितने मार्क्स देंगे, अगर मैं कहूँ 10 में से कितने मार्क्स आप देंगे, आपको यहाँ की ट्रेनिंग कैसी लगी है, तो उसके मैं मार्क्स में आपको कंपेयर करूँ तो कितने मार्क्स आप दोगे, 10 में से कितने मार्क्स आप दोगे? सर मैं तो पूरा फुल मार्क्स दूंगा। अच्छा फुल मार्क्स दोगे? मैं ये डर था वो डर निकल गया। अच्छा, और जो मैं एक बार देखा मैं आप करे सो वो चीज सेकंड टाइम दोहराया वो चीज। अच्छा, तो कहने का मतलब ये 100% सेटिस्फाई हो आप। कोई अगर आपसे पूछेगा कि आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली है तो आपका क्या रहेगा, आप क्या उसको बोलेंगे? यहाँ पर सीख सकते हैं, यहाँ पर बहुत कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं, वहाँ कर सकते हैं बोल के। अच्छा, वो डर भी निकलेगा। अच्छा, तो अब्दुल्ला भाई एक चीज और, आपने YouTube पर देखा? हाँ YouTube पर देख कर आया सर मैं आपको। YouTube फॉलो करते थे, हमारा चैनल फॉलो करते थे? हाँ फॉलो तो एक जने बताए थे मेरे को। अच्छा, तो फॉलो मैं जब से मैं शुरू करा मैं फॉलो। अच्छा, आपको किसी ने शेयर किया वो देखा मैं, इसके बाद मैं आया मैं यहाँ। अच्छा, फॉलो किया, चैनल देखा, उसके बाद आपने डिसीजन जो लिया कि मैं ट्रेनिंग के लिए स्क्रीन फिक्सर में ही जाऊंगा, तो ये डिसीजन आपका यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है, आपको सही था आपका डिसीजन या आपने कोई गलती की, ऐसा कुछ आप जरा शेयर कर सकते हैं? नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं है, सब ठीक था। मैं आया इस वजह से सीखने के लिए यहाँ पर। मेरा बहुत दिन से चल रहा था ये। अच्छा प्रोसेसर। अच्छा, बहुत दिन से आप ट्राई कर रहे थे आने की लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। हैदराबाद में देखा हुआ नहीं समझ में आया, यहाँ आया। अच्छा, हैदराबाद में भी ट्राई किया, हैदराबाद में समझ में नहीं आया। अच्छा, फिर आप यहाँ पर स्क्रीन। अच्छा, निकले तो मिलेंगे बोल के तो अपन यहाँ पर आए तो मिल गया। अच्छा, चलो तो हम कह सकते हैं कि आज अब्दुल्ला एज में मास्टर हो चुका है, ऐसा बोल सकते हैं? एज डिस्प्ले आप कोई भी कर सकते हैं आज तो। आज आपका लास्ट दिन है? लास्ट दिन। अच्छा, आप वापस जा रहे हैं, तो ठीक है दोस्तों, आपने देखा ये अब्दुल्ला हैं, हैदराबाद से आए और कितना कॉन्फिडेंट है, आपने देखा इनकी बातों से आपको पता लगा होगा कितना कॉन्फिडेंट स्टूडेंट है। जब ट्रेनिंग से पहले जो स्टूडेंट आता है उसका हम देखते हैं कॉन्फिडेंस लेवल, और एक डर होता है मन में, एक डर होता है कि एज डिस्प्ले बनाना बहुत मुश्किल काम है, कोई पहाड़ है, तो दोस्तों कोई पहाड़ नहीं है, बहुत ही इजी तरीके हैं। आप अगर एज बनाना सीखना चाहते हैं तो आप भी आ सकते हैं। सारी चीजें दोस्तों क्लियर हैं, जो चीज सही होती है वही दिखाते हैं। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल गई होगी, अगर आप ट्रेनिंग के लिए आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में मुझे बताएं कि आपको कौन सी ट्रेनिंग चाहिए, आप कितने दिनों से काम कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।